सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा में सदर अस्पताल में मृत बच्चे को फेंके जाने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया और अमानवीय कृत्य सामने आया। लेबर रूम में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही का आलम यह है कि एक नवजात बच्चे को लेबर रूम के छत से नीचे फेंक दिया गया। जब दर्जनों कुत्ते नवजात को खाने लगे तब लोगों की इस पर निगाह गई। कुत्ते की चपेट में आए नवजात को देखकर योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने इसकी खोजबीन की तो पूरा मामला सामने आया। बताया गया कि यह बच्चा रंका थाना क्षेत्र के कुसवार निवासी किसुना देवी की थी जिसने आज सुबह उस नवजात को जन्म दिया था। उस समय सदर अस्पताल गढ़वा में ज्योति, आना, रश्मि और रीता नर्सों की ड्यूटी थी। उन लोगों ने बच्चे के जन्म लेने के तुरंत बाद मृत घोषित कर दिया। इसके बाद किसी ने बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया। इस बात को लेकर पूरे अस्पताल परिसर में चर्चा होने लगी। तब नर्सों ने आनन फानन में उस बच्चे को वहां से उठाकर कपड़े में लपेट कर लेबर रूम में रखवा दिया। इसकी सूचना मिलते ही योगी सेना प्रदेश अध्यक्ष विपुलधर दुबे ने सदर अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और अस्पताल अधिकारी और कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में इस तरह की लापरवाही और अमानवीय कृत्य लगातार होते रहता है, यह कोई पहली घटना नहीं है। गढ़वा सीएस अस्पतालों में हो रही लापरवाही को जल्द से जल्द ठीक ठाक करें और जिला प्रशासन इस मामले की गंभीरता से जांच करते हुए दोषियों पर उचित कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न घटे।